बॉडी बिल्डर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया को सड़क के बीचों बीच कुर्सी डाल सरेआम शराब पीना महंगा पड़ गया। दरअसल देहरादून की एक स्थानीय अदालत ने बॉबी कटारिया के खिलाफ सड़क के बीचों बीच कुर्सी डालकर सरेआम शराब का सेवन करने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। वही थाना कैंट के सीईओ नीरज सेमवाल ने कहा कि बॉबी कटारिया की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बॉबी कटारिया के विदेश भागने का भी पुलिस को अंदेशा है, जिसके लिए पासपोर्ट ऑफिस से भी इसको नोटिस जारी कराने की तैयारी की जा रही है। सर, बॉबी कटारिया के मामले में नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है, क्या कुछ गिरफ्तारी हो पाएगी और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा? देखिए, जो ये मुकदमा है ये 128/22 है, जो बॉबी कटारिया के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है ये 341, 336, 290, 510 और आईटी एक्ट की धारा 67 में पहले सूचना दी गई, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें जो है NBW ले लिया गया है और अब जल्दी हम NBW को तामील करने की प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही हम जो अन्य कोई सही कार्रवाई होंगी तो वो एक्शन होंगे। देखिए, कोर्ट से हमने NBW ले लिया है, उसको तामील कराया जाएगा। अगर NBW अगर मौके पे मिलता है हमें अभी तो शीघ्र जारी की जाएगी, अगर नहीं तो उसको चस्पा किया जाएगा आगे, फिर जैसे 82-83 की जो कार्रवाई होती है वो आगे अमल में लाई जाएगी। और हमारे संज्ञान में है कि वो जो विदेश जाने की भी संभावना है, तो इसीलिए हम लोग पासपोर्ट ऑफिस में जा करके नोटिस भी वहाँ से ले लेंगे, सो दैट वो जो है विदेश न जाए, विदेश भाग के न जा पाए, जब तक के लिए ये मामला जो है आगे नहीं बढ़ पाता। संभवतः सर कब तक गिरफ्तारी होगी? अभी तो नहीं बता पाएंगे, अभी तो हमने सूत्रों और उसमें बहुत सारी जो है देखना पड़ता है, उसी के हिसाब से टीम को रवाना किया जाता है, तो जल्दी हम लोग उसमें टीम रवाना करेंगे और कार्रवाई करेंगे। दरअसल हाल ही में बॉबी कटारिया का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो सड़क के बीच में कुर्सी डालकर शराब पीते दिखाई दिया था। जांच में पता चला था कि ये वीडियो देहरादून मसूरी मार्ग का है, जिसके बाद देहरादून के थाना कैंट पुलिस ने बॉबी कटारिया पर 11 अगस्त को 341, 336, 290, 510 और आईटी एक्ट की धारा 67A जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद थाना कैंट पुलिस ने 14 अगस्त को बॉबी कटारिया को पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किया था, लेकिन बॉबी कटारिया ने इस नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया था। इस मामले में बॉबी कटारिया के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।